श्री राम समर्थ फरवरी 9। नित्य नियम करने का अर्थ क्या है? नित्य नियम करने का अर्थ है निरंतर नित्य में रहना। हम मूलतः स्वयं नित्य हैं, फिर भी अनित्य में रहते हैं। परमात्मा नित्य हैं, उसे भूलकर विषय जो अनित्य है उसमें व्यग्र हैं। अतः हमें परमात्मा का विस्मरण होता है, जिसके कारण उसका स्मरण होगा उसी को नित्य नियम कहते हैं। हमें हमेशा नित्य नियम में रहना चाहिए, किंतु वैसा आचरण नहीं होता। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय के लिए उसका स्मरण होने के लिए पठन करना चाहिए। जो पठन किया होगा उसका चिंतन करना चाहिए, जिससे हमें उसकी आदत होगी। जो अखंड नाम स्मरण करता है वह नित्य नियम में ही रहता है। यदि सच्चे अर्थ से किसी ने नित्य नियम किया है तो ब्रह्मानंद महाराज ने ही। हमें सोचना चाहिए कि हम नित्य नियम में कैसे रह पाएंगे। इसके लिए गुरु आज्ञा ही प्रमाण है, वही सच्चा साधन है। गुरु आज्ञा ही नित्य नियम है, हमें उसकी शरण में जाना चाहिए। प्रतिदिन थोड़ा पठन, तदनंतर मनन, मनन के पश्चात आचरण और अंत में गुरु की शरण में जाना, यही साधक का साधन क्रम है और यही उसका नित्य नियम भी है। आयु जो जो बढ़ती है त्यों त्यों साधक की परमात्मा से मिलने की उत्कंठा बढ़नी चाहिए। केवल नित्य नियम है इसलिए विवश होकर नामस्मरण नहीं करना चाहिए। साधक को हर बात दिल से करनी चाहिए। यह ध्यान में रखा जाए कि शंकित मन से की हुई साधना में अपवित्रता आ जाती है। परमार्थ में श्रद्धा ही मुख्य पूंजी है। ऐसी श्रद्धा हो कि साधना में संतोष ही सर्वस्व है। जैसे थर्मामीटर में हम बुखार कितना है यह देख पाते हैं, वैसे साधना करते समय हमें संतोष कितना मिलता है यह भी देखना चाहिए। साधक को विश्व में कितने दोष है यह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उन दोषों के बीज हम में ही होते हैं। कीर्ति लालसा मान सम्मान बहुत घातक होते हैं। बड़े बड़े साधकों की भी कीर्ति लालसा के कारण अधोगति होती है। उसी प्रकार धन और काम वासना का संयम न रखने के कारण साधकों का भी परमात्मा के पास पहुंचते पहुंचते पतन होने लगता है। विश्व के ये सारे बंधन हमें बंधन में डालते हैं। भगवान का पाश ही असली पाश है। वही पाश, वही बंधन हमें सभी बंधनों से मुक्त करता है और शाश्वत सुख का लाभ करा देता है। जग में प्राप्त होने वाले मान सम्मान से कभी मोहित नहीं होना चाहिए। धन और काम वासना की अपेक्षा कीर्ति देह बुद्धि को अधिक मोहित करती है। वहां हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। जहां मान सम्मान कीर्ति मिलना संभव है वहां जाना टाल देना चाहिए। यदि उसे टालना संभव नहीं लगता हो तो भगवान का दान है ऐसा मानकर उसको स्वीकार करना चाहिए। जो वास्तव में बड़ा होता है या श्रेष्ठ होता है वह सम्मान की कभी अपेक्षा नहीं करता, और वह यदि सम्मानित किया गया तो उसकी उसे कभी महत्ता नहीं लगती। हमें स्वयं यह परख कर देखना चाहिए कि क्या हमें मान सम्मान प्रिय लगता है। उससे हमें ज्ञात होगा कि हम स्वयं कितने श्रेष्ठ हैं। आते जाते भगवान को प्रणाम करें, राम राम कहे। एक बार भगवान के प्रति रुचि निर्माण हो गई तो वह छूटेगी नहीं। आज का मुख्य विचार, भगवान का बंधन ही असली बंधन है। वह हमें सभी बंधनों से मुक्त करता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Thank you.
Mm-hmm.